हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम टुडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नांदेड़ घूमने के सात प्रमुख स्थान। नंबर सात, सहस्रकुंड वाटरफॉल। सहस्रकुंड वाटरफॉल नांदेड़ से लगभग 100 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। सहस्रकुंड वाटरफॉल एक बेहद खूबसूरत और बारिश के मौसम में अनोखा और खूबसूरत रूप तैयार करता है। पर्यटक यहाँ 30-40 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी के दृश्य का आनंद ले सकते हैं। झरने के किनारे पर एक खूबसूरत बगीचा है, विभिन्न प्रकार की तितलियाँ अपनी ओर आकर्षित करती है। नंबर छह, रेणुका देवी मंदिर। रेणुका देवी मंदिर नांदेड़ जिले के माहूर में स्थित है। यह एक पौराणिक स्थल है। माहूर एक तीर्थ क्षेत्र भी है, जहां मां रेणुका माता का मंदिर है, जो भगवान परशुराम की माता है। हर नवरात्र में यहां मेला लगता है। यहां तेलंगाना और महाराष्ट्र से ज्यादा लोग आते हैं। मंदिर परिसर में बेहद हरियाली है। मंदिर के आगे वाले टिल्ले पर पुरातन किला है। महाराष्ट्र में देवी के 3.5 शक्तिपीठ है और माहूर उन्हीं में से एक है। नंबर पाँच, गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय। यह संग्रहालय एक नदी के किनारे पर स्थित है और नांदेड़ शहर के केंद्र के भीतर है। यह संग्रहालय को नांदेड़ शहर का गौरव माना जाता है। इस संग्रहालय निर्माण का उद्देश्य गुरता गद्दी दिवस की दिन से भी उत्सव को चिन्हांकित करता है। संग्रहालय में उच्च उपकरणों से सुसज्जित है। इसमें टच स्क्रीन सिस्टम और कई अन्य आकर्षण है। नंबर चार, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना 1994 में हुई है। इस विद्यापीठ का इरादा मुख्य रूप से मराठवाड़ा के दक्षिणी भाग, विशेष रूप से नांदेड़, लातूर, परभणी और हिंगोली जिले का काम करना है। यह विद्यापीठ नांदेड़ से लगभग 20 किलोमीटर के दूरी पर दक्षिण में स्थित है और लगभग 595 एकड़ में बसा है। नंबर तीन, बंदा घाट गुरुद्वारा। नगीना घाट से लगभग 400 मीटर के दूरी पर स्थित है। नांदेड़ में गुरुद्वारा बंदा घाट साहिब यह स्थान है, जहां माधवदास और सिर पर बैरागी साधु का निवास था। गुरु गोविंद सिंह ने उनके बारे में सिंह दादू द्वारा के महंत जैत राम से सुना था। नंबर दो, कंधार किला। यह किला नांदेड़ में स्थित है। महाराष्ट्र में बहुत कम किले हैं जो कंधार की तरह अच्छे से रखे गए हैं। किले का वैशिष्ट्य एक तरह पानी से भरा संरचना है, जो इस किले को घेरता है। यह किले पर राज्य से कई वास्तुकला के छात्र अक्सर आ जाते हैं। यह निजामशाही अवधि की इमारत है और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के सम्मान में बनाया गया था। नंबर एक, हजूर साहिब। हजूर साहिब सिखों के पांचवें तख्त में से एक है। यह नांदेड़ शहर में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें स्थित गुरुद्वारा संच खंड कहलाते हैं। हजूर साहिब संच खंड गुरुद्वारा विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और माथा टेक कर स्वयं को धन्य समझते हैं। यहाँ पर सन 1708 में सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्रिय घोड़े दिलबाग के साथ अंतिम सांस ली थी। वेल दोस्तों, ये तो थी नांदेड़ की कुछ खास जगह। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।